नमस्कार, मैं हूँ सरोज राजपूत और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं व चना की फसलों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। ओलावृष्टि से खेतों में बिछी फसलों को देखकर उन्होंने खुद स्वीकार किया कि फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्व मंत्री के आने की खबर सुनकर गांव-गांव में किसान हाथों में बालियां लेकर सड़कों पर इंतजार करते मिले, लेकिन मंत्री राजपूत ने किसानों के साथ खेतों में जाकर सद्भावना दी। उन्होंने शनिवार को सिहोरा, मोहरा, हसरई, जोहरिया, खजूरिया, मसुरहाई, बीरखेड़ी, बिचपुरी आदि गांवों का दौरा किया एवं हालातों से रूबरू हुए। मौके पर मौजूद राहतगढ़ SDM रमेश पांडे एवं तहसीलदार SK प्रजापति सहित पटवारी आरती विश्वकर्मा को निर्देश देते हुए मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सर्वे में कोई खेत बचना नहीं चाहिए। फसलों के नुकसान का सभी आकलन कर रिपोर्ट तुरंत भेजें ताकि मुआवजे की कार्रवाई जल्द हो सके। इस काम में जरा भी लापरवाही हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुआयना किया, फसलों का क्या स्थिति है और क्या राहत मिली? कल रात में ओलावृष्टि हुई है और उससे जहां जहां फसलों का नुकसान हुआ है, हमने रात में ही कलेक्टर से बात की थी कि जहां जहां नुकसान हुआ है तत्काल आप अपने अधिकारियों को निर्देश दो और ताकि तुरंत से फसलों का मुआवजा शुरू हो जाए। और मैं खुद देख रहा हूं कि फसलें मेरे हाथ में चने का बाल है, चना नुकसान हो गया है। फसलें की बाली जो है ना, गेहूँ पे ओले पड़े हैं तो गेहूँ पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। कहीं कहीं आड़ा हो गया है, कहीं कहीं गेहूँ खड़ा है लेकिन फलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो जितना नुकसान है वो सर्वे होगा तत्काल और नुकसान की जो भी भरपाई होगी वो करवाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। मैंने भोपाल में अपने अधिकारियों से बात की है, PS से बात की है कि आप मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ फसलों का ओले पड़े हैं तत्काल अधिकारियों को निर्देश दो ताकि उनकी फसलों का सर्वे शुरू हो जाए और जितना संभव हो सकेगा सरकार भरपाई करेगी, उनको मुआवजा देगी। किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा खड़े हैं, हम सब किसानों के साथ हैं और आज से ही सर्वे शुरू हो गया है। आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।